सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे इस कॉलेज के लेटेस्ट 21-22 के कट ऑफ्स, ताकि गाइज आपको ये पता रहे कि इस कॉलेज के जो कट ऑफ्स है वो कितने जाते हैं और आपको कितने परसेंटाइल पे इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो गाइज पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज़ हम इस कॉलेज की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं, साथ ही में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस कॉलेज में हमें कितने जो डिफरेंट ब्रांचेस है वो देखने को मिलते हैं। तो इस कॉलेज का इंस्टीट्यूट कोड है 6013। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और अगर हम देखें गाइज़ यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है इस कॉलेज की वो भी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो नियर बाय रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर के आसपास है, जो बस स्टैंड है वो भी पास है, साथ ही में आपको जो एयरपोर्ट है वो भी 12 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगा। जो कॉलेज है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है। हॉस्टल फैसिलिटी की बात की जाए गाइस, तो इस कॉलेज में आपको जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बॉयज़ के लिए 100 सीट्स की जो अवेलेबिलिटी है हॉस्टल में वो रहने वाली है, और गर्ल्स के लिए 18 सीट्स जो है वो है अवेलेबल फर्स्ट ईयर के लिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटस। तो स्टेटस अगर हम देखते गए तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, साथ ही में ऑटोनॉमी भी इस कॉलेज को जो है वो मिली है। तो एक गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। माइनॉरिटी स्टेटस में गई, नॉन माइनॉरिटी में ये जो कॉलेज है वो आता है। अब देखते गए कि इस कॉलेज में कौन सी ब्रांचेस है। तो यहाँ पर हमें सिविल और कंप्यूटर ये मिल जाते है। यहाँ पे गाइस कंप्यूटर में एक खासियत है कि 180 का जो इंटेक है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सीट्स है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। आईटी भी यहाँ पे है, बट जो इंटेक है वो फिर कम है। मैकेनिकल का इंटेक 180 का है, और दो ब्रांचेस ऐसे भी है जैसे इलेक्ट्रिकल एंड ENTC, जहाँ पर हमें माइनॉरिटी के लिए एक्स्ट्रा जो 60 सीट्स का जो कोटा है वो देखने को मिलता है। तो जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे इस दोनों ब्रांचेस का जो फ़ायदा है और इस कोटे का जो फ़ायदा है वो ले सकते हो, और कम परसेंटेज में आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इस डिटेल में इस कॉलेज के कट ऑफ्स के कितना कट ऑफ जाता है और कितने परसेंटेज पे आपको यहाँ पे जो है वो एडमिशन मिल सकता है। तो ये है गाइज इस कॉलेज के लेटेस्ट कट ऑफ, साथ ही में गाइज मैं आपको पिछले साल के कट ऑफ्स और 21-22 के कट ऑफ्स दोनों को जो है वो कंपेयर करके बताऊंगा कितना डिफरेंस है। बट सबसे पहले हम डिटेल में सारे जो कट ऑफ्स है वो देख लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ अगर हम देखते हैं गाइज होम डिस्ट्रिक्ट सीट्स का, तो आप देख सकते हो ओपन का हमें 85.60% के आसपास देखने को मिला था। अगर इससे ज़्यादा होते तो आपका ईजिली जो एडमिशन है वो हो जाता। इस साल भी इसके आसपास ही हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है। SC का फर्स्ट राउंड का था 78.60, ST का देख सकते हो ST, VJ का हमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, और OBC का आप यहाँ पे जो है वो कट ऑफ देख सकते हो, यह 72.80, लेडीज़ ओपन है 83.60। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में होम डिस्ट्रिक्ट के जो सीट्स है वही बताऊंगा, क्योंकि मेनली पुणे के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बाहर के काफ़ी मतलब कम स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जनरली हमें। बट अगर आपको अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट सीट्स देखना होगा तो आप इस PDF में देख सकते हो। ठीक है, जो PDF की लिंक्स वगैरह वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर है यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आप देख सकते हो जनरल ओपन कैटेगरी का 95 कट ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ही कम, या फिर ये इकलौता कॉलेज होगा जहाँ पे कंप्यूटर का कट ऑफ 95 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। फिर SC का आप देख सकते हो 88.20। फिर जनरल OBC कैटेगरी का आप देख सकते हो 91.60। तो कंप्यूटर ब्रांच में इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाता है, और 180 का इंटेक है, तो जो सीट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो कंपटीशन है वो भी अच्छा खासा है। तो अगर कंप्यूटर चाहिए होगा इस कॉलेज में आपको तो 90 के अबोव तो जो है वो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा 10th में। फिर नेक्स्ट हम ब्रांच देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे IT ब्रांच। IT ब्रांच का भी जो कट ऑफ है वो हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो IT जनरल ओपन कैटेगरी 94 हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके ऊपर और जा सकता है, क्योंकि CS और IT की जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। SC का देख सकते हो 87.80 है कट ऑफ, और जनरल OBC का आप देख सकते हो 90.40 हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट ब्रांच फिर है यहाँ पे, तो नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका हमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम देखने को मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू IT एंड कंप्यूटर। तो जनरल ओपन का 87.20, OBC का देख सकते हो 82 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और SC का हमें यहाँ पे 83 के आसपास जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। तो इसका थोड़ा कम जाता है। ठीक है, सेकेंड राउंड में भी थोड़ा कम आपको जो है वो कट ऑफ देखने को मिल सकता है। स्टेट लेवल सीट्स वगैरह का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें आपको माइनॉरिटी के जो एक्स्ट्रा सीट्स है 60 सीट्स वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होंगे, सपोज अगर आपकी माइनॉरिटी
है मुस्लिम माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, हिंदी माइनॉरिटी, सिख, तो अगर आप इस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको कम परसेंटेल में आप देख सकते हो 48% है, फिर यहाँ पे 48, 73, 60 के आसपास है। तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए ENTC यहाँ पे है कोटा, तो आप इसका यूज़ करके कम परसेंटेल में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और नॉर्मल ENTC की सीट्स अगर हम देखते हैं तो जनरल कैटेगरी का 88 के आसपास जो है वो कट ऑफ जाता है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़ायदा है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। फिर है SC का 83 और जनरल OBC का आप देख सकते हो 82.60% हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं, नेक्स्ट है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का भी जो कट ऑफ है वो इस साल के पहले बहुत ज़्यादा जाता था, बट इस बार हमें कम देखने को मिल रहा है 84.40, और इस बार भी इसके आसपास ही हमें देखने को मिल सकता है। फिर है SC 73.20 और जनरल OBC 68.20 हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है, और इसका जो इंटेक है वो 180 स्टूडेंट्स का है, तो इजीली आपको यहाँ पे जो सीट्स है वो मिल सकती है अगर आपको अच्छे 80 के आसपास परसेंटाइल है तो। फिर नेक्स्ट है मेटलर्जी, इसका जनरल ओपन का 73 देखने को मिल रहा है, OBC का, SC का तो बहुत ही कम है 44, और OBC का भी आप देख सकते हो 68.40, तो इसमें भी ईजिली एडमिशन मिल सकता है अगर आपको चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट, तो ये ब्रांच आपको रेयरली कोई कॉलेज में देखने को मिलेगी, इस कॉलेज में है। जनरल ओपन है 82.80, SC है 75 और जनरल OBC आप देख सकते हो 70 के आसपास हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिल रहा है। और फिर यही लास्ट ब्रांच थी, ठीक है, तो इसके बाद और कोई ब्रांचेस यहाँ पे नहीं है। अब हम थोड़ा जो कंपैरिजन है वो देख लेते हैं 21 और 22 का। तो आप देख सकते हो सिविल का 21 में ओपन का कट ऑफ था फर्स्ट राउंड का 90.20 और 2022 में 85 के आसपास आ गया, तो सिविल में थोड़ी डिमांड कम हुई इसलिए स्टूडेंट्स मेनली सिविल के लिए नहीं जाते, मेनली कंप्यूटर और IT के लिए ज़्यादा हमें जो स्टूडेंट्स का ये है वो देखने को मिल रहा है। तो सिविल का थोड़ा कट ऑफ जो है वो कम हुआ है। अगर कंप्यूटर का देखें तो पिछले साल ओपन का फर्स्ट राउंड में 94 गया था, 2022 में 95 गया था, ठीक है, और इस बार भी थोड़ा ज़्यादा जा सकता है क्योंकि CSIT में काफ़ी ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। और फिर 21 में देख सकते हो IT का 92.20 फर्स्ट राउंड क्लोज हुआ था, इस बार 94 पे हुआ था, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा हाइक देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल का ऑलमोस्ट उतना ही था 87.20, ENTC का आप देख सकते हो 89.43 था 21 में और 22 में 88 के पास आया, माइनॉरिटी का और भी कम होता है। मैकेनिकल का भी कम हुआ है, 90 था 21 में और 2022 में 84 के आसपास हमें देखने को मिला, तो इसमें थोड़ा डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। मेटलर्जी का ऑलमोस्ट उतना ही है 77-73 के आसपास, और ड्रेस एंड डिज़ाइनिंग का पहले 84 था और अभी 82 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और इस साल भी हमें CSIT में जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, इतना ही जाएगा। सिविल मैकेनिकल में जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत कम या फिर इसके आसपास ही जो है वो रह सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से कट ऑफ है इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे के, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, गवर्नमेंट भी है, ऑटोनॉमस भी है, और ये आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो मिल जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो भी हो सकता है क्योंकि प्लेसमेंट के लिए रिक्रूटर्स भी जो है वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो होप्स हो गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछ लेना, मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दे दूँ, या फिर इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको डायरेक्ट जो है वो आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते गए जैसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहें।